कबीर ऑल गुड। तुमने उसे अंदर ही क्यों आने दिया? उसने नॉक किया था और मैंने दरवाजा खोला। एक मिनट, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे रूम में क्यों आया था? ऑफ कोर्स पड़ता है। अरे बट व्हाट? मायरा, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। तुम उस गधे से शादी नहीं कर सकती, बस। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। हाँ, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और तुम्हें पता है तो बताओ मेरे लिए क्या सही है। मैं, और इस बार तुम नहीं भी मानोगी तो भी मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। कहां लेके जाओगे? कहीं भी, पर तुम यहां ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां तुम्हारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता। और तुम्हें लगता है? मायरा, तुम्हें शायद इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। आई कांट सी ऑल दिस। बट व्हाई? यू नो व्हाई। तुम टेंस हो, डोंट वरी सैंडी, आबा मान जाएगी। तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स। यू नो व्हाट, आबा की पहली शादी वर्कआउट ना होने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से डरती है। उसने अपने चारों तरफ बस एक शील्ड बना रखी है जो तुम्हें ब्रेक करनी है। दैट्स इट। Exactly. आबा, she deserves a companion like me, जो उसे बिना जज करे, unconditionally प्यार करे। Yes. लेकिन तुमसे पहले उसकी लाइफ में कोई नहीं आया जो उस डायरेक्शन में उसको मजबूर करे सोचने के लिए। अब तुमने किया है, डिसीजन लेने में टाइम तो लगेगा। You just don't have to give up. आबा कितना भी टाइम ले ले, चाहे वो कितना भी नाना करे, बट आई प्रोमिस यू कबीर, संदीपन अय्यर आबा कोहली पर गिव अप नहीं करेगा। That's the spirit. और वैसे भी शादी होने के बाद तुम्हारा असिस्टेंट से डायरेक्ट प्रमोशन, पार्टनर, वाह। You mean रिलेशनशिप की हेल्प से प्रोफेशन में प्रमोशन? Exactly. Very nice.